हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के आप सबसे पूछा था कि भाई आप लोगों के क्या क्या डाउट है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। सो गाइस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कमेंट्स, यहाँ पर मैंने यूज़र नेम को हाइड कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, बट जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो जो डाउट आप लोगों ने पूछे हैं यहाँ पर मैंने सारे पढ़ लिए हैं, सारों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सैम्पल के लिए। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट भी करवा के देखते हैं क्या। सर, कैन वी टेक अवर प्रैक्टिकल फाइल विद अस वाइल डूइंग प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल फाइल की क्रिएटिविटी के मार्क्स भी होते हैं क्या? योर एक्सपीरियंस? वाइवा वाले टीचर्स भाई आएंगे क्या? एक और प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट, ये हो गया। प्रैक्टिकल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? भाई मैंने स्कूल में एक भी प्रैक्टिकल नहीं की है। और भी बहुत सारे डाउट्स थे गाइज जो मैंने आपके पढ़ लिए हैं, इन सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन गाइज बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपके यहाँ पर एक भी डाउट नहीं बचेगा। और गाइज, इसमें जो बातें होंगी वो बिल्कुल आपको सच बताऊँगा, चाहे ये वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़े, चाहे इस पर स्ट्राइक आ जाए, लेकिन जो सच होगा गाइज वही मैं बोलूँगा। जैसा यहाँ पर रियलिटी में होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला डाउट गाइज आता है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट क्या है, क्योंकि सबसे पहला डाउट यही बनता है कि भाई डेट्स क्या हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। सो गाइज, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स के लिए हरियाणा बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल डेट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 5/4/2021 से 10/4/2021, यानी कि 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, इन 5 दिनों तक आपके प्रैक्टिकल्स चलने वाली हैं। हाँ, अब आपके स्कूल किस दिन रखते हैं ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वरना इन 5 दिनों के अंदर ही आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी, लेकिन जो फिक्स डेट है वो आपके स्कूल आपको बता देंगे गाइज। ये तो हो गई पहले डाउट की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। अगला डाउट है गाइज आपका कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते कैसे हैं, यानी कि क्या प्रोसीजर होता है। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइज, सबसे पहले तो बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में गाइज आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो आपकी होम स्कूल्स में ही होंगी, यानी कि जहां आप पढ़ते हो वहीं होंगी, और जो आपको पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपकी प्रैक्टिकल्स लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें 12th क्लास की, 12th क्लास की भी प्रैक्टिकल्स हैं वो होंगी तो उनके उन स्कूलों में ही जहाँ वो पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बाहर से एक्सटर्नल टीचर्स लेने आएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट बच गए जिनकी प्रैक्टिकल होती है वो वही टीचर लेंगे जो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बाहर से टीचर्स लेने आएंगे। सो गाइज, ये तो बात हो गई कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो कौन लेने आएगा। अब बात करें कि कैसे होंगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले गाइज तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको 4-5 एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ते हैं। उसके बाद गाइज आपका यहाँ पर वाइवा होता है, जो कि आपके यहाँ पर बाहर से टीचर्स आते हैं या फिर आपके टीचर्स ही लेते हैं। आपको एक रूम में 1 by 1 बुलाया जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल चेक होंगी, उसके बाद आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है। उसके बाद गाइज आपके जो नंबर हैं वो चढ़ा दिए जाते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। अगला जो डाउट है गाइज वो ये है कि भाई वाइवा में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, और भाई वाइवा के बारे में बताइए अपना एक्सपीरियंस। सो गाइज देखिए, वाइवा में आपको यहाँ पर मैं अगर सिंपली बताऊँ तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल्स हैं उनमें जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनको अगर आप पढ़ते हो तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से नहीं पूछे जाते। कहाँ से पूछे जाते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ गाइज। जो भी एक्सटर्नल लेने आता है या फिर जो भी आपके टीचर्स आपके यहाँ पर वाइवा लेते हैं, उनका एक ही एम होता है कि वो आपकी बेसिक नॉलेज देख सकें कि भाई आपको बेसिक कितने आते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने भाई पूरा यहाँ पर क्वेश्चन याद कर रखे हैं, पूरा सिलेबस कर रखा है, नहीं। ये पूछेंगे कि भाई आपको बेसिक्स कितने आते हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझसे क्लास 10th में पूछ लिया गया था साइंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो मैंने बताया पावर हाउस ऑफ द सेल। साथ ही साथ 12th का एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि मुझसे पूछ लिया गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप खुद बताओ, क्लास 12th में डायमेंशनल फार्मूला का कहीं जिक्र है? नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि भाई बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, चाहे वो भाई क्लास 11th की भी हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको गाइज अपनी एनसीईआरटी बुक्स को उठा लेना है और उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप बहुत यहाँ पर अपना सिलेबस रट रहे हो। मैं भी यहाँ पर खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हम भी भाई
अपना सिलेबस रट के गए कि यार प्रैक्टिकल का वाइवा है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। हमने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस रट लिए बड़े बड़े कि भाई क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन वहाँ गए, वहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन का वो बताओ, साथ ही साथ पूछ रहे हैं कि 78 का एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है ये बताओ। यानी कि यार हम तो भाई सोचने लगे कि भाई ये क्या, हम तो याद करके आए थे क्वेश्चंस, ये तो ये पूछ रहे हैं। सो गाइज, और गाइज ये मैंने यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स से पूछा तो उनसे भी सेम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि भाई एक से ये पूछ रहे हैं तो सबसे यही, लगभग इसी के लेवल के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से रीड करना है। साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कोई भी एक टॉपिक तैयार करना है। ये आपको एक बोनस ट्रिप दे रहा हूँ गाइज। होता क्या है कि जो भी प्रैक्टिकल्स लेते हैं, अगर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो वो पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा टॉपिक बताओ या कोई ऐसा चैप्टर बताओ जिससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। तो गाइज आपको अपना एक चैप्टर तैयार करके ले जाना है, कोई भी हो, चाहे एक टॉपिक कर लो। यानी कि आपको यहाँ पर एक टॉपिक या एक चैप्टर तैयार करना है जो कि वहाँ अगर आप जवाब में अटक जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कहाँ से सवाल हम पूछें, ऐसा एक्सटर्नल पूछेंगे आपसे। तो आपको बता देना है कि सर मुझसे इस चैप्टर से सवाल पूछ लीजिए या इस टॉपिक से सवाल पूछ लीजिए, तो फिर आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। समझ गए गाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। अगला जो डाउट है गाइज वो ये है कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तब हमें प्रैक्टिकल्स बना के दिखानी पड़ती हैं क्या, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाने पड़ते हैं क्या? सो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाता है, 99% नहीं करवाएगा कोई भी। 1% चांसेस है कि भाई कोई यहाँ पर समझ सकते हो सनकी इंसान आ गया तुम्हारा एक्सटर्नल तो वो करवा भी सकता है, वरना 99% कोई नहीं करवाता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अगला जो डाउट है वो ये है, एक भाई ने पूछा था कि भाई जो फाइल होती है वो हमें अच्छे से बनानी चाहिए क्या, यानी कि फाइल की क्रिएटिविटी के नंबर भी मिलते हैं क्या? यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं वो फाइल को इतना अच्छे से सजा वजा के बनाती हैं। सो यार देखो ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो कोई भाई आपकी फाइलों को इतना चेक नहीं करता। ये फाइलें हैं ये भाई एक बार चेक करेंगे आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स, उसके बाद जो एग्जामिनर आते हैं लेने वाले वो तो बिल्कुल नहीं चेक करते, बस इनको कचरे में फेंक दिया जाएगा। तो गाइज आपको ये टाइम है ये अपनी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उनमें लगाना है, ना कि प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में आप लगे हुए हो, सजाने में लगे हुए हो, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग लिख रहे हो, ये बना रहे हो वो बना रहे हो, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं गाइज। अगला जो डाउट है गाइज वो ये है कि भाई प्रैक्टिकल फाइल्स में यहाँ पर हमें कवर वगैरह चढ़ाना है या नहीं, ये भी एक भाई ने पूछा था। तो गाइज कवर आप चढ़ा भी सकते हैं, अगर ना चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि भाई अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे ही ना तो क्या होगा, तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बोनस ट्रिप बताऊं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने ज़रूर जाना है, चाहे आपने फाइल बनाई हो चाहे ना बनाई हो, बनानी है वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी बनाई तो अगर आप ये सोच जाएं कि भाई मैंने नहीं बनाई ना मुझे कुछ आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने ज़रूर जाना गाइज, आपके यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर चढ़ेंगे ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आपके जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पर सेटिंग हो जाती है पहले ही, जो एग्जामिनर्स आते हैं उनके साथ, समझ रहे हैं? मुझे पता है आपको भी पता है भाई थोड़ा बहुत, तो क्योंकि आप क्लास 10th में देख के आए हैं, 12th वालों की बात कर रहा हूँ। अब गाइज मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी टिप जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो भाई आपने चाहे कुछ भी ना किया हो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर चढ़ जाएंगे। वो है गाइज कि आपको यहाँ पर पोलाइटनेस दिखानी है प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्स वाले दिन। क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आया, फिर से समझो। यानी कि यार चाहे तुम स्कूल के सबसे बड़े गुंडे हो, तुमने स्कूल में भाई KTM लेके आए हो, तुम्हारे स्कूल में दादागिरी चलती है, कॉलर वॉलर तुम्हारी खड़ी है, लेकिन उस दिन भाई तुम्हें बहुत ही सिंसियर होके अपनी एक ऐसी इमेज बनानी है कि भाई तुम सबसे अच्छे बच्चे हो स्कूल के, ओके? क्योंकि भाई जो एग्जामिनर लेने आता है ना वो भी एक इंसान है, उसके साथ आपको यहाँ पर ज़्यादा बदतमीजी नहीं करनी है। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो भाई उनके नंबर तो फिर कैसे चढ़ते हैं वही जानते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सिंसियर रहना है, सिर्फ एक दिन के लिए कह रहा हूँ, चाहे फिर तुम कॉलर उड़ाना चाहे शर्ट निकाल देना नंगे हो जाना, लेकिन भाई उस दिन तुम्हें ऐसे बन के दिखाना है कि भाई हम ही सबसे अच्छे बच्चे हैं स्कूल के। क्योंकि गाइज इस बात से फ़र्क पड़ता है, जो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल लेने आता है आपकी प्रैक्टिकल्स, वो ये देखता है कि भाई इसको नहीं आता चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बच्चे में संस्कार हैं, ये बच्चा पोलाइट है, ये बच्चा सिंसियर है, तो इसको हमें नंबर दे देने चाहिए। साथ ही साथ आपके टीचर्स भी फिर आपका यहाँ पर साथ देने लग जाते हैं कि सर ये पढ़ने वाला तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह रहता है। सो गाइज आपको ये ऐसा करना है, बिल्कुल करना है, ये एक ऐसी टिप बता रहा हूँ लास्ट में आपको,
जो कि अगर आपने भाई कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, फिर भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो गाइज, ये थे वो आपके डाउट्स जो कि यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए, जो मेन मेन डाउट्स थे गाइज। इसके अलावा अगर आपके और भी डाउट्स बचते हैं जो कि यहाँ पर यार मुझे तो मेन नहीं लगे ज़्यादा, वो सिंपली मैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको दे दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। जो मेन डाउट थे जो हर स्टूडेंट के रहते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से पूरी वीडियो को समअप कर दें तो गाइज, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। 5 से 10 अप्रैल के बीच आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको प्रैक्टिकल फाइल बना लेनी है, 4-5 एक्सपेरिमेंट कर लेने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th की बाहर से लेने आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको NCERT के बेसिक क्वेश्चंस कर लेने हैं, साथ ही साथ एक यहाँ पर टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, कोई भी हर सब्जेक्ट का एक, यानी कि फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक, ठीक है। और जो सब्जेक्ट बच गए उनकी तो आपके होम टीचर से लेंगे, तो वो तो भाई आप समझ सकते हो बिल्कुल अच्छे नंबर चढ़ाएंगे। लास्ट में गाइज एक बात और पूछी जा रही थी कि क्या हमारे जो नंबर हैं वो जो यहाँ पर एक्सटर्नल आते हैं वो चढ़ा के जाते वही रहेंगे क्या? तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो नंबर आगे चढ़ा के भेजे, ठीक है। तो आपका स्कूल तो भाई आप वहाँ पढ़ते हो, फीस दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कैसे नंबर चढ़ाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे नंबर आपके चढ़ाए जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आप सभी के नंबर 26-27 नंबर से नीचे नहीं चढ़ने वाले। अब आप कहेंगे कि भाई कुछ यहाँ पर हमने देखा है स्टूडेंट के नंबर बहुत ही कम चढ़ते हैं, जैसे कि 18-19। सो गाइज वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि भाई जैसे किसी ने बदतमीजी कर दी हो प्रैक्टिकल्स के दौरान ही, तो भाई उसके नंबर तो फिर कम ही चढ़ेंगे, या फिर किसी का फीस का इश्यू हो जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गाइज अगर आप सिंसियर रहते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पर कंप्लीट है, साथ ही साथ आप पूरे ड्रेसअप अच्छे से यहाँ उस दिन बिहेव करते हैं, चाहे आप एक भी यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपना बिहेवियर तो अच्छा रखो। सो गाइज आपका यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपके बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर चढ़ेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और चाहे गाइज आप देख लेना, और 12th वाले भाई अगर यहाँ पर कोई भी बात मैंने गलत बताई हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके प्रैक्टिकल की क्लास 10th में, तो आप कमेंट करके बताना। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं दोबारा कह रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।